हाय गाइस, तो यहाँ पर मैंने हमने यहाँ पर कुछ गेमिंग माउस मंगवा लिए हैं अमेजोन की सेल से, और ये काफ़ी सस्ते पड़े मुझे गेमिंग माउस। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा मैंने मंगवाया है और किस प्राइस में मंगवाया है। तो चलिए, ये कुछ इस तरीके से बॉक्स आया है अमेजोन का, इसको निकालते हैं जल्दी से। तो काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलिए एक माउस ही मंगवा लिया जाए इस टाइम। तो एक ये है एंटी स्पोर्ट्स का GM 320, और गाइस रियली में काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी, काफ़ी अच्छा माउस है, गेमिंग माउस है, और यहाँ RGB आपको देखने मिल जाती है, तो यहाँ देख सकते हो। तो चलिए दूसरा माउस मैं आपको दिखाता हूँ, और गाइस ये काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे माउस, ये है एंटी स्पोर्ट्स का GM 40, और गाइस पता है कितने का है ये? 135 का माउस है, गेमिंग माउस। तो चलिए मैं आपको इनके अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो चलिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला GM 320, और गाइस रियली में मुझे इसकी ना ग्रिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है तो मैंने सोचा चलिए आपको। और गाइस मुझे सिर्फ ये 400 रुपये का पड़ा है, बिल वगैरह है मेरे पास। तो चलिए इसमें कुछ डिटेल्स है बताता हूँ, जैसे कि बैकलाइट वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, और उसके बाद गाइस ये 12,800 DPI तक जा सकता है, इसका जो ऑप्टिकल सेंसर है और काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो इतना तो यूज़ होता नहीं, नॉर्मली यूज़ होता है। आप सो ना अपनी एप्लीकेशन के द्वारा भी इनको मर्ज कर सकते हो, सेट कर सकते हो जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है ये देखिए 2700 रुपये लिखा हुआ है, देख रहे हो, और सिर्फ 450 मैंने इसे मंगवाया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर सील भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं यूज़ है, इसको ऐसे ही खोल लेते हैं। काफ़ी मैसी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आज मैं। तरीके से इसका लुक है, तो ये हमारा गेमिंग माउस है। रियली में गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी जो तो ग्रिप क्वालिटी ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, नॉर्मल हैंड्स और बड़े हैंड्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और क्लिक साउंड सुनिए आप, दो बटन्स यहाँ हैं, दो बटन DPI के यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, दो एक यहाँ पर है। तो किस तरीके से आपको दिखता है माउस गाइस, रियली में काफ़ी अच्छा है, ग्रिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे मैंने बताया आपको, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी जो केबल मिलती है वो काफ़ी लेंथी केबल मिलती है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ी केबल है, यहाँ सेंसर मिल जाता है, गेमिंग सेंसर आपको, और तो इस तरीके से लुक है। चलिए इसको जला के एक बार मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसकी RGB को ना आप मतलब इसकी एप्लीकेशन से भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर आप इसकी DPI से इसकी लाइट्स को चेंज कर सकते हो, और एक सेकेंड यहाँ पर इससे DPI काफ़ी नॉर्मल भी है और तेज़ भी ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए मैं इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ तरीके से लाइट देख लीजिए, काफ़ी अमेजिंग गेमिंग माउस है और काफ़ी अच्छा होने वाला है गेमिंग के लिए। चलिए दूसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा है, वही दूसरा मंगवाया हमने ये GM 40, जैसे कि पता है आपको, उसको भी निकाल के दिखाते हैं, थोड़ी सी मैसी अनबॉक्सिंग इसकी भी कर देते हैं। तो यहाँ पर वारंटी कार्ड वगैरह है, और यहाँ पर है हमारा माउस। इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस मैं दिखा देता हूँ आपको, 749 रुपये है, लेकिन ये सिर्फ 130 रुपये का मैंने मंगवाया है। और ये देखिए गेमिंग माउस, ये भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी छोटू सा है, यहाँ भी इसमें लाइटें मिल जाती है आपको, लेकिन इसके कंट्रोल नहीं कर सकते एप्लीकेशन से, इसकी भी केबल आपको ब्रेड मिलती है। और गाइस रियली में काफ़ी अच्छा माउस है, मैं चलिए इसे भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ तरीके से आपको मिल जाएगी, यहाँ से DPI चेंज कर सकते हो। और गाइस रियली में ये भी काफ़ी अच्छा माउस है, तो ग्रिप क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ये थे दो गेमिंग माउस जो कि मैंने अमेजोन की सेल से मंगवाए, और काफ़ी अच्छे माउस है, तो आप इन्हें ज़रूर परचेस कर सकते हो, लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।